सो फ्रेंड्स, अगर आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टॉक मंथन में, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारे शॉर्टलिस्टेड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में से बेस्ट पॉसिबल पिक करेंगे हमारे एनालिसिस मेथड से। स्मॉल कैप कैटेगरी में हमारे शॉर्टलिस्टेड फंड्स हैं निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। बिना किसी देरी के सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे फंड्स के पास्ट पीरियड के रिटर्न्स को, तो इसमें हमें मिक्स्ड इमेज देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर शॉर्ट टर्म में कंसीडर करें, जैसे कि 3 और 5 ईयर्स में लमसम इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को, तो इसमें क्वांट प्लान बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड वहीं पर अगर हम 7 और 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम्स को देखें, तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड हैज गिवन बेटर रिटर्न्स। अब SIP को कंसीडर करें, तो 10 ईयर्स टाइम फ्रेम में निपोन फंड लीडर है। वहीं पर अगर क्वांट प्लान को कंसीडर करते हैं, तो बाकी सारी शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में वो लीडर है, मींस 3 ईयर्स 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स में उसके रिटर्न्स बेटर हैं। रिटर्न्स के बाद अगर कंपेयर करें रिस्क रेशियोस को, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये थोड़ा हाई है क्वांट फंड के केस में, जिसका मतलब है कि इसके रिटर्न्स ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है इन कंपेरिजन टू निपोन फंड। इसके बाद अब शार्प रेशियो एंड सोटिनो रेशियो पर नजर डालें, ये मेजर करते हैं मार्केट रिस्क के हिसाब से बेटर रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज को। इस केस में निपोन फंड का हाई है, तो इसका मतलब है कि निपोन फंड ज्यादा कैपेबल है मार्केट रिस्क को कवर करके रिटर्न जनरेट करने के मामले में। फिर इसके बाद आती है बारी बीटा रेशियो की। बीटा रेशियो 1 से नीचे का मतलब है कि निपोन फंड में बेंचमार्क या कहें मार्केट रिस्क के कंपैरिजन में फ्लक्चुएशन कम है। वहीं पर क्वांट का एग्जैक्ट 1 है, तो इसका मतलब है कि वो मार्केट के बराबर फ्लक्चुएटिंग है। इसके बाद अल्फा रेशियो को कंसीडर करते हैं। क्वांट फंड एंड निपोन फंड दोनों का अल्फा रेशियो हाई है एंड ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका मतलब है दोनों फंड्स की कैपेबिलिटी हाई है रिटर्न्स देने की इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क। अब दोनों में से कौन सा बेटर प्रूव हो सकता है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे कुछ चीजों पर फोकस करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने देखा है कि रिस्क के मामले में निपोन फंड कम फ्लक्चुएटिंग है, बिकॉज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है एंड ऑल्सो इसकी बीटा वैल्यू भी क्वांट के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। फिर बात करें मार्केट रिस्क से ज्यादा रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी, तो उस केस में निपोन फंड ज्यादा इफेक्टिव है। फिर इसके बाद हम अगर इन फंड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन पर गौर करेंगे, एंड यहाँ पर पता चलता है कि निपोन फंड का असेट बेस काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू क्वांट फंड। इसके बाद इसका एग्जिट लॉट सिर्फ 30 डेज का है, मतलब कि 30 डेज के बाद सेल करने पर कोई चार्जेस नहीं है। बट वहीं पर देखा जाए क्वांट फंड को, तो उस केस में यह है 365 डेज। बट इस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड जनरली लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए परचेस करना ही सही रहता है, एंड इस वजह से इन्हें इतना जल्दी सेल वैसे भी नहीं किया जाना चाहिए। फिर एक्सपेंस रेशियो दोनों फंड का ज्यादा डिफरेंट नहीं है, एंड ओनली 0.7 से 0.8 के बीच में है। मेन डिफरेंस है टर्नओवर ऑफ फंड्स। यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्वांट फंड का टर्नओवर 150% है। इसका मतलब है कि इस फंड में ट्रेडिंग बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है एंड अपना पूरा पोर्टफोलियो एक साल के अंदर ये चेंज कर देते हैं। इसके मुकाबले में निपोन फंड को देखा जाए, तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर ओनली 19% है। तो ये फंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की स्ट्रेटेजी को बिलीव करता है। तो टोटल में देखें तो बात सामने ये आती है कि क्वांट फंड के रिटर्न्स रिसेंट ईयर्स में भले ही ज्यादा हैं, बट निपोन फंड रिस्क के मामले में एंड इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने के मामले में ज्यादा रिलायबल है। फिर इसके रिटर्न्स रिसेंट ईयर्स में बहुत कम मार्जिन से शॉर्ट हैं इन कंपैरिजन टू क्वांट फंड। तो मेरा प्रेफरेंस फिलहाल है निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ऊपर, बट अगर इनमें कॉम्बिनेशन में भी इन्वेस्ट किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड खुद सिलेक्ट करके परचेस करना सीखना चाहते हैं, तो इस शॉर्ट कोर्स में आप इसे रिफर कर सकते हैं। 50 मिनट्स के इस शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन फ्री टूल्स की मदद से कैसे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग योर लैपटॉप और कंप्यूटर। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर रेगुलरली कनेक्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। फिर मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग टू कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।